तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे राइट या लेफ्ट साइड पे कहीं पर तो आपको एक रील का प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा। इसका मैं थोड़ा सा ऑडियो भी यहाँ पर आपको सुनाकर दिखा देता हूँ। तो ये जो फिल्टर है, इसे अगर आपको अप्लाई करके एक परफेक्ट रील यहाँ पर बनाना होगा तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते और ट्यूटोरियल को शुरुआत कर देते। तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर अगर आपको भी एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है रील ओरिजिनल ऑडियो लिंक करके, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज आपके मोबाइल पे ओपन हो जाएगा। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो नीचे आपको एक यूज ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे आपको एक 3 स्टार्स वाला एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आपको ट्रेंडिंग रील्स अपेयरेंस ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इसी लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे फर्स्ट आपको एक सर्च आइकॉन या उसे मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकॉन आप बोल सकते हो, वो आपको शो हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपको टाइप करना है। आप स्पेलिंग देख लो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है, गोयांग सिमोय करके एक स्पेलिंग है। अब देख लो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है, उस टाइप से आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट आपको शो हो जाएगा। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये इसे आपको यूज करना है। इसे यूज करने के लिए इफेक्ट का जो आपको लोगो दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल का स्क्रीन आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट में आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक टाइमर का ऑप्शन दिखेगा, टाइमर के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो काउंटडाउन का ऑप्शन है, तो काउंटडाउन के ऑप्शन के सामने आपको 3S का ऑप्शन है, उसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर 10S का ऑप्शन आ जाएगा। तो 3S मतलब 3 सेकंड, 10S मतलब 10 सेकंड। तो आप दोनों में से कोई भी एक टाइमर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 3S का टाइमर सिलेक्ट करके नीचे जो सेट टाइमर है उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको जो मोबाइल है वो एक कोई भी एक स्टेडी पोजिशन पे रख देना है और आपको सेंटर में जो सर्कल दिख रहा है जहाँ पर इफेक्ट का लोगो दिख रहा है उसके ऊपर आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3, 2, 1 का टाइम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो रील है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा इफेक्ट के साथ। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो रील है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर एक कवर का ऑप्शन आ जाएगा। तो वीडियो में से कोई भी एक पार्ट एज अ कवर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐड फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और कोई भी एक स्पेसिफिक फोटो एज अ कवर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कैप्शन वगैरह ऐड करना है तो राइट कैप्शन में जाके कुछ इस तरीके से आप कैप्शन ऐड कर सकते हो। लास्ट में आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने बनाया हुआ ये वीडियो एज अ रील इंस्टाग्राम के फीड पे आपके पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।